नमस्कार। आज वर्चुअल क्लास के इस विशेष लेक्चर में, जो व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आपकी कक्षा होती है, उसमें हम आज वर्तमान जीवन में मनुष्य समाज के लिए जो एक बहुत ही पीड़ादायक समस्या है, तनाव, उस पर हम बात करेंगे। तनाव प्रबंधन आपका विषय है आज का, और ये प्रत्येक संकाय के विद्यार्थियों के लिए न केवल लाभदायक है बल्कि बहुत ज्यादा उपयोगी भी है। मैं डॉक्टर एस के मालवीय गीतांजलि कॉलेज भोपाल में कॉमर्स विषय में प्रोफेसर हूँ। तो तनाव प्रबंधन की हम बात शुरू करें, इसके पहले आप सभी को मेरा एक तरीके से निवेदन, या आप मान सकते हैं कि स्वयं आप तनाव रहित होकर बैठे अब बात कर रहे हैं, तो किसी प्रकार के स्ट्रेस में हम ना रहें, किसी प्रकार के तनाव में हम ना रहें। आप सभी देखते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, हमारे मनुष्य जीवन के प्रत्येक पहलू में, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में तनाव ने अवश्य एक स्थान बना रखा है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, इवन छोटा बच्चा भी, यदि हम देखते हैं कई बार तो छोटा सा बच्चा भी तनाव में और स्ट्रेस में दिखाई देता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन जो उसका हम महसूस करते हैं, देखते हैं, वो वास्तव में उसके तनाव की ही एक परिणति होती है, तनाव का एक लक्षण होता है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप, जब जैसे एजुकेशन लाइन से हम आगे निकल जाते हैं, तो भले हम शासकीय सेवा करते हो, निजी सेक्टर में हम सर्विस करते हो, कृषक हो, व्यवसायी हो, बच्चे हो, बड़े हो, गृहिणी हो, कोई भी व्यक्ति समाज का जो है वो किसी न किसी प्रकार के तनाव से ग्रसित है। तनाव एक मनोवैज्ञानिक समस्या तो है ही, साथ ही साथ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में उत्पन्न हो रही है। हमारी कार्यशैली को, हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसलिए तनाव के संपूर्ण जो आयाम होते हैं, संपूर्ण जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उस पर मैंने यह प्रयास किया है कि आपसे चर्चा हम करें इसमें, और बीच में मैं समय भी दूंगा आपको कि आप यदि किसी प्रकार की विशेष तनाव से ग्रसित स्वयं को महसूस करते हो, या आप चाहते हो कि उस पर आपसे चर्चा हो, तो वो मैं आपको समय दूंगा उसके लिए। पहले यहाँ थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे तनाव का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ उसकी डेफिनेशन, मेडिकल रिसर्च स्कॉलर की एक डेफिनेशन है, हेंस सेल्वे की भी एक डेफिनेशन लिखी है, मैंने देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। तनाव किसी भी प्रकार की मांग पर शरीर का गैर निर्दिष्ट प्रत्युत्तर है। तनाव को हम पहचाने कैसे? कई बार हमें महसूस नहीं होता है कि हम तनाव ग्रसित हैं, वास्तव में हम तनाव में रहते हैं उस समय। उदाहरण के लिए यहाँ हमने जो डेफिनेशन लिखी है उस पर हम चर्चा करें कि किसी भी प्रकार की मांग पर शरीर का गैर निर्दिष्ट प्रत्युत्तर, अर्थात जब किसी प्रकार की कोई डिमांड उठती है और सामना आपका शरीर या आपका सामने वाला व्यक्ति आपको उसका जो निर्दिष्ट प्रत्युत्तर मिलना चाहिए वो नहीं दे पाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि तनाव में ग्रसित हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन आपका दिमाग सोने को तैयार नहीं है, शरीर आपका सोने में आपको सहयोग नहीं दे रहा है। आपको भूख लग रही है, लेकिन आप खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, माने आप तनाव में ग्रसित हैं। किसी से आप बात कर रहे हैं मुस्कुराकर, हंसकर, और सामने वाला व्यक्ति आपको चिड़चिड़े रूप में या रूखे मन से उसका उत्तर दे रहा है, इसका अभिप्राय यह है कि वो तनाव में है। बच्चा छोटा सा होता है, आप उसके साथ बाजार जाते हैं, आपने अनुभव किया होगा समाज में, कई बार वो जिद करता है किसी पर्टिकुलर खिलौने के लिए, ट्रॉफी के लिए, किसी सामान के लिए। हम उसे सामान नहीं दिलाते हैं, घर ले आते हैं डांट डपट कर, भले ही वो बच्चा उस समय आपको महसूस ना हो, लेकिन यदि हम उससे किसी काम का कहते हैं और वो काम के लिए हमको प्रत्युत्तर जो पॉजिटिव मिलना चाहिए वो नहीं देता है, तो इसका आशय है कि बच्चा भी तनाव में है। तो जैसे तनाव मानसिक रूप से हम महसूस करते हैं, वैसे हमारे शरीर के तमाम जो अंग होते हैं वो भी स्ट्रेस में जब रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो वो हम जो वांछित उससे रिक्वायरमेंट चाहते हैं, जो रिटर्न चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो तनाव एक महसूस करने वाली चीज है, साथ ही साथ कई बार हमको ये व्यवहार से दृष्टिगोचर भी होती है। तो तनाव का सामान्य अर्थ तो यही है। फिर हम आगे बात कर रहे हैं इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तनाव को हम कैसे पहचानें। तो पहली पहचान यह है कि मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस व्यक्ति में दिखाई देते हैं, अर्थात व्यक्ति के जो उसकी मनोकृति होती है, दशाएं होती हैं, उसमें हम एक परिवर्तन महसूस करते हैं, पाते हैं। जैसे कि अवसादग्रस्त, डिप्रेस्ड, कई बार व्यक्ति
बिना किसी कारण के आप देखें तो हमें महसूस होता है कि व्यक्ति उदास है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, बहुत कॉमन है आज के समय में। ये हमारे नए जो आधुनिक युग हो रहा है, हम कह लीजिए टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ा हमारे साथ माइनस फैक्टर जुड़ते जा रहा है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन से ग्रसित पाए जाते हैं। कि साहब हम तो डिप्रेशन की बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है इस बात का टेंशन है उनको, कोई टेंशन नहीं है इस बात का भी टेंशन लोग पालते हैं। तो टेंशन हुआ या कह लीजिए स्ट्रेस हुआ, ये मिले जुले शब्द हैं अपने आप में। तो अवसादग्रस्त हो जाना अर्थात उदासी, मायूसी, निराशा, कुछ भी ना करने की इच्छा होना, ये हमारे एक साइकोलॉजिकल चेंजेस जो होता है उसमें हम ये महसूस कर सकते हैं। अज्ञात भय, ये भी एक लक्षण है स्ट्रेस का। अज्ञात भय, कभी कभी हमको एक ऐसा भय सा महसूस होता है, एक साइकोलॉजिकल आप लोगों ने महसूस किया होगा, कई बार हमारे मन में एक भय होता है, हम एग्जाम देने जाते हैं बार बार हमें ये डर लगता है कि शायद हम समय पर ना पहुंच पाए, सब तमाम तैयारी कर लेते हैं उसके बावजूद भी लगता है कि हम शायद कोई चीज भूल रहे हैं। कई आप लोगों को देखा होगा उन्होंने कि लॉक कर दिया घर को, दोबारा उतर गाड़ी से उतर के दोबारा चेक करते हैं कि ऐसा ना हो घर खुला छूट गया हो। कई बार महिलाएं शिकायत करती हैं कि साहब हम घर से तो बाहर निकल आए फिर ध्यान आया कि साहब स्विच ऑफ करना भूल गए थे या गैस बंद करना भूल तो नहीं गए थे। तो एक अज्ञात भय, और इसी प्रकार से कई बार आपने बच्चों को देखा होगा कि साहब डर लग रहा है, किस चीज का डर है बताने को तैयार नहीं, लेकिन एक अननोन चीज से भय उनको फील होता है। तो अज्ञात भय होना भी एक साइकोलॉजिकल चेंजेस के रूप में हमें दिखाई देता है, और वो भी हमारा स्ट्रेस का एक लक्षण है, एक सिम्टम्स है। फिर अकेलापन, कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपके दोस्त या आपकी सहेलियां आपसे बात करने से बचते हैं, घर में भी जाते हैं बोलते हैं अपने मम्मी या पापा से कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। हम बहुत प्रयास करते हैं कई बार बच्चों से बात करने के लिए कि वो अपनी बात शेयर करें, लेकिन उनका एक ही उत्तर होता है कि प्लीज हमें आप अकेला छोड़ दीजिए, हम अभी किसी से नहीं मिलना चाहते। कई बार देखा होगा कि लड़का या लड़की या बच्चा स्कूल से या कॉलेज से घर गया, बस्ता बैग एक तरफ पटका उसने और दरवाजा अपना कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद कर लिया। मम्मी या पापा जो भी बात करना चाहते हैं तो यही कहते हैं अभी थोड़ी देर हमको अकेला रहने दीजिए। तो अकेलापन जब व्यक्ति चाहता है, या कई बार व्यक्ति समुदाय में होते हुए भी बहुत सारे ग्रुप में आप बैठे हैं लेकिन अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो भी हमारा एक स्ट्रेस का या तनाव का लक्षण है। एक अन्य लक्षण है चिड़चिड़ापन। कई बार देखा होगा लोगों में कि लोगों के स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन रहता है हमेशा, आप पूछो कुछ उत्तर कुछ दूसरा देंगे आपको, आप उनसे बहुत हंस के अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं लेकिन उनका नेगेटिव रिस्पांस आपको मिल रहा है। तो जब कभी भी आप किसी व्यक्ति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन पाए तो ये मान के चलिए कि उससे उसके वह उस समय स्ट्रेस से पीड़ित थे, तनाव से पीड़ित थे, एक तरह से उसे माने कि वो बीमारी है उसकी साइकोलॉजिकल। और चिड़चिड़ापन बहुत कॉमन है आजकल घरों में, आप जाके देखिए घर की महिला है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और हमारी जो सामाजिक लाइफ है, जो सामाजिक जीवन है, इस कदर पेचीदा और कह लीजिए उलझन भरा हो गया है कि ना चाहते हुए भी कई बार दूसरों के कारण से भी हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हमें उस स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, हम चाहते हुए भी नहीं बच पाते। तो चिड़चिड़ापन, आप जा रहे हैं रास्ते में ट्रैफिक जाम मिला, अब आपको टाइम पे पहुंचना था और पता चला ट्रैफिक जाम है, आपको चिड़चिड़ापन आएगा। आप बाजू से निकलना चाह रहे हैं, मान लो आप टू व्हीलर से हैं, जैसे तैसे निकल जाए, किसी ने आपकी गाड़ी को लाकर एक्सीडेंट कर दिया, स्ट्रेस स्क्रेच आए गाड़ी पर, डेंट लग गया, अब आप ना चाहते हुए भी अनावश्यक आपको एक चिड़चिड़ापन या कह लीजिए खींच या गुस्सा या नाराजगी आप व्यक्त करेंगे। तो ये भी एक लक्षण है स्ट्रेस का। फिर कार्य असुरक्षा, कई बार हमारे मन में काम के प्रति एक असुरक्षा का भय सा पैदा होता है। आप वाहन चलाते चलाते समय कई बार आपने महसूस किया होगा कि हमको ऐसा फील होता है कहीं हमसे एक्सीडेंट तो ना नहीं हो जाएगा, एक मन में एक डर सा लगता है। कई बार बच्चों से कहा जाता है तो बच्चे काम शुरू करने के पहले ही ये मान लेते हैं कि ये काम तो हमसे नहीं होने वाला है। तो जैसा कि माना जाता है कि आधी हार तो तभी हो गई जबकि आपने ये मान लिया कि ये काम हमसे नहीं होगा। तो ये मान के चलिए कि कार्य असुरक्षा होना भी एक तरह से स्ट्रेस का एक लक्षण है। तो ये थे साइकोलॉजिकल। अब फिजिकल, फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होंगे, शारीरिक परिवर्तन, उसमें हम देखेंगे सबसे
महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉमन जो लक्षण परिवर्तन हमको दिखाई देता है, जो लक्षण दिखाई देता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। बहुत कम एज के लोग, आज 40 साल की एज के लोगों को देखिए आप, 45 साल 50 साल में तो बहुत कॉमन हो गया है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक परिवार में एक दो व्यक्ति आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। कम एज के लोगों को भी उनका ब्लड प्रेशर यदि नापा जाए तो हाई बीपी उनका पाया जाता है उनमें। तो उच्च रक्तचाप का एक बहुत बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस होना। यदि किसी प्रकार का भी हमको तनाव है तो वो उच्च रक्तचाप के रूप में हमें दिखाई देगा। यदि हाई ब्लड प्रेशर है हमको, जैसे कहा जाता है कि स्ट्रेस तमाम बीमारियों की जड़ है। शुरू में मैंने आपने नोट किया होगा, मैंने लिखा है कि स्ट्रेस तमाम बीमारियों की जड़ है। यदि हमें स्ट्रेस है, तनाव है तो हाई बीपी होगा, हाई बीपी है तो अन्य दूसरी बीमारियां भी हमको घेरेंगी। और साथ ही साथ फिर हमको दिल का दौरा पड़ने की, इसको कि हार्ट अटैक हम मानते हैं, वो भी संभावना बन सकती है। नासूर हो सकता है, पाचन संबंधी समस्या बहुत कॉमन है। बहुत बच्चे मिलते हैं कि साहब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही है, कारण नींद नहीं होती प्रॉपर। नींद नहीं होगी, भूख प्रॉपर नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, जो भी आप खाएंगे वो आपको प्रॉपर तरीके से पचेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में पाचन संबंधी समस्या होना, अनिद्रा होना, नींद नहीं आना, ये जो लक्षण है, ये जो परिवर्तन है, ये सब स्ट्रेस के कारण है। जो जिससे कोई स्ट्रेस नहीं है वो बाकायदा कहीं भी आपको सुलवा दिए, नीचे फर्श पे भी सुला देंगे, बढ़िया सोएगा। वो बढ़िया सोएगा व्यक्ति, डाइजेशन अच्छा होगा उसका, पाचन क्रियाएं अच्छी होंगी, पाचन क्रियाएं अच्छी होंगी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी, प्रेशर नॉर्मल रहेगा उसको, और नेचुरली उसकी कार्य क्षमता भी हमको ज्यादा दिखाई देगी। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं लक्षणों की और शारीरिक परिवर्तनों की। तीसरा एक और लक्षण है बिहेवियरल चेंजेस, अर्थात उसके व्यवहार में कौन कौन से हम चेंजेस पा सकते हैं। जो हमने देखा एक पहले मनोवैज्ञानिक, फिर दूसरा देखा हमने शारीरिक, जैसे कि उसका हाई बीपी हो जाना शारीरिक था, वो नींद नहीं आना शारीरिक था, वो फिर व्यवहार में कैसे आप व्यक्ति को महसूस करेंगे कि उसमें तनाव का कोई लक्षण है या नहीं। तो व्यवहारिक परिवर्तनों में देखेंगे आप अत्यधिक आक्रामक हो जाना व्यक्ति। कई बार आपने देखा होगा कि आप उससे छोटी सी बात कहें लेकिन वो उसके बदले में आपको 10, 15, 25 बातें सुना देता है। कई बार होता है ना कि सर हमने तो उससे बहुत सामान्य वे में बात की थी लेकिन देखिए उसने किस तरीके से हमको रिएक्ट किया। कितना ज्यादा घरों में आप देखते होंगे, आपके घरों में एक से ज्यादा जब मेंबर रहते हैं, दो से ज्यादा मेंबर रहते हैं, तो घरों में सामान्य बात होती है कि माँ ने आपके घर में जो भी है, बहू है, बेटियां हैं, भाई हैं, और भी परिवार के जन रहते हैं, उनसे कुछ कहा, बहुत सामान्य वे में बात की थी लेकिन उन्होंने अत्यधिक आक्रामक एग्रेसिव वे में उत्तर दिया और जैसा लगता है कि वो लड़ने के लिए ही तैयार हैं। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, जैसे आप महसूस करते होंगे कि उनसे साहब बहुत सामान्य वे में हमने बात की लेकिन उन्होंने बहुत अत्यधिक आक्रामक या रूखे तरीके से कह लीजिए हमसे जवाब दिया। और लोग बात कहते हैं ना, वो तो साहब लड़ने को हमेशा तैयार रहता है, उसको छेड़ो ऐसे ही उत्तर मिलना है, उसका नेचर ही ऐसा हो गया है। तो अत्यधिक आक्रामक हो जाना या अत्यधिक सुरक्षात्मक, दोनों चीजें होती हैं। कई बार व्यक्ति डिफेंसिव भी होता है कि साहब आप उससे बात करना चाह रहे हैं लेकिन वो, जैसे कई लोग देखते हैं आप कक्षाओं में बैठे हुए हैं, कोई नया व्यक्ति आता है, यदि उसमें असुरक्षा का भावना है तो वो ऐसी स्थिति में जाके पीछे लास्ट में कोने में बैठ जाएगा, उसके पास कोई दो लोग बैठना चाहेंगे तो उठ के वहां से और किसी जगह बदल लेगा। तो वो अपने आप को सेफ करके रखना चाहता है। कई बार हम किसी से अपनी ओर से पहल करते हैं बात करने के लिए, दो चीजें होती हैं, या तो वो बहुत बहुत ही अच्छे से व्यक्ति बात करेगा या आक्रामक रूप से बात करेगा। यदि उसमें बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक भाव है तो वो बोल देगा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप अपना काम कीजिए प्लीज। आप देखते होंगे सफर के दौरान भी, जब हम लोग कभी ट्रेन में और बस में सफर करते हैं, कई यात्री ऐसे होते हैं हंसमुख नेचर के, सबसे दोस्ती कर लेते हैं, बात कर लेते हैं और आराम से उन सफर में काफी कह लीजिए घुल मिल जाते हैं। कुछ लोग उनसे बात करने का प्रयास करो तो रूखा उत्तर दे देते कि अब मुझे बात नहीं करनी है, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिए। तो उनमें एक असुरक्षा का भाव ऑटोमेटिक दिखाई देता है, ये एक व्यवहारात्मक परिवर्तन है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है अंतर्मुखी स्वभाव। दो टाइप के लोग देखे होंगे, एक बहुर्मुखी मतलब एक्सटर्नल और एक इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी स्वभाव।
बहुत सारे लोगों का नेचर ऐसा होता है जो कि बहुत कम मेल मिलाप पसंद करते हैं। आप बहुत सारी छात्राएं बैठी हुई हैं, बहुत सारे छात्र बैठे हैं सुन रहे हैं इस समय, आपने महसूस किया होगा कि कोई आपका दोस्त या सहेली ऐसा ऐसी होगी या होगा जो कि बहुत कर रहे हैं। एक दिन वो कॉलेज ना आए तो आपको लगता खाली खाली लगता है। तो उनका नेचर ऐसा होता है कि सबसे घुल मेल, सबसे हलोहाय करना, सबसे बहुत अच्छे से बात करना, चीयरफुल होकर बात करना। तो एक तो ये नेचर होता है बहुर्मुखी, तुरंत दोस्ती कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अंतर्मुखी कि आप उनके घर भी जाएं तो आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वो अपने अंदर रह के लेट गए, बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। आपने महसूस किया होगा समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप 5 मिनट मिलिए वो आपको बहुत सारी जानकारी दे देंगे, घर की सारी स्थिति बता देंगे, जो नहीं बताना चाहिए वो भी बता देंगे, इतने ज्यादा बहुर्मुखी होते हैं। और कुछ लोग इतने इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, इतने अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं कि आप उनसे कितना ही पूछना चाहो, कितनी ही जानकारी लेना चाहो, नहीं बताते। कुछ लोग तो नाम बताने तक में झिझकते हैं, अरे साहब रहने दीजिए, आप नाम मांगो नाम बताएंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे, नाम मांगो कहाँ करते हैं, कहाँ रहते हो, कितने भाई बहन है, कहाँ इसके पहले कहाँ थे, तमाम जानकारी दे देंगे। तो जो अंतर्मुखी स्वभाव है ये तनाव का एक लक्षण माना जाता है। और जिसका अंतर्मुखी स्वभाव होगा, अगला पॉइंट रहे हैं सामाजिक कार्य मेल मिलाप से दूर। जो व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव का होगा वो सामाजिक कार्य और मेल मिलाप से दूर आपको दिखाई देगा। आप उससे कहेंगे चलो अमुक जगह चलते हैं, पार्टी है, पिकनिक है, फंक्शन हो रहे हैं कॉलेज में, जैसे यूथ फेस्टिवल अभी कुछ दिन पहले संपन्न हुए, कुछ जगह चल रहे हैं अभी। तो लोग ऐसे लोग जो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं वो इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं कि सब हमें इनसे मतलब नहीं। शादी में जाने का बोलो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो किसी से मिलना नहीं चाहते, रिलेशन में नहीं मिलना जाना चाहते। तो कुछ लोग बहुत ही जो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं वो सामाजिक मेल मिलाप से भी दूर होते हैं। ये भी एक व्यवहारिक परिवर्तन या लक्षण आप स्ट्रेस का देख सकते हैं। एक अगला बिंदु है, युवाओं में ये पाया जाता है सिगरेट और शराब का कह लीजिए सेवन करना या उसका प्रयोग करना। जो लोग अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं या किसी प्रकार का जिनको स्ट्रेस होता है, ऐसा माना जाता है कि वे लोग सिगरेट और शराब का सेवन भी ज्यादा करते हैं या करने लगते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि यदि हम शराब पियेंगे या सिगरेट पियेंगे तो तनाव हमारा रिलीज हो जाएगा। यद्यपि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा वो मान के चलते हैं कि बहुत तनाव है, ला रहे सिगरेट तो लाओ, एक शराब तो पी ले, शराब पियेंगे। और कई लोग तो ये बोलते साहब बिना पिए हमको नींद ही नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आ रही है? चूंकि वो तनाव में है। उत्तर क्या दे रहे हैं आपको कि साहब बिना शराब पिए या बिना सिगरेट पिए हमको नींद ही नहीं आएगी। तो ये भी एक लक्षण है। यद्यपि मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि सिगरेट और शराब तो आपको वास्तव में जो एक्चुअल नींद है उससे और दूर करती है। तो किसी भी प्रकार का नशा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नशे को तनाव रिलीज करने का माध्यम मानते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो जो व्यक्ति सिगरेट का और शराब का सेवन करते हुए मिले, आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के तनाव में है। किसी को अपने कार्य के प्रति तनाव है, किसी को फैमिली का टेंशन है, और व्यक्ति सोचता है कि जितनी देर हम शराब के नशे में रहेंगे हम तनाव से दूर रहेंगे। तो जो व्यक्ति ऐसी कंडीशन में रहता है तो हमें ये मान के चलना है कि वह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के तनाव में है। और हमको चाहिए कि हम उसको, जब वो जैसे मान लीजिए शराबी व्यक्ति है, जब वो नशे में ना हो तब उससे बात कीजिए, वो बताएगा कि किस कारण से वो शराब का सेवन करता है। यदि संभव हो तो उसे प्रॉपर परामर्श केंद्र में यदि काउंसलिंग मिलती है तो शराब भी वो छोड़ सकता है। फिर गैर सहयोगात्मक असहयोगवाद शब्द आना चाहिए, तो यह असहयोगात्मक दृष्टिकोण मतलब नॉन कोऑपरेटिव, इंग्लिश में हम कहेंगे नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड दृष्टिकोण। अर्थात जब व्यक्ति सहयोग न करना चाहे किसी से, आप कई बार हेल्प मांगते हैं, कई बार तो हम जैसे आप बच्ची हैं बैठी हैं बोलते थोड़ा फर्क जाइए तो लोग बोलते नहीं नहीं हम वहां बैठो जाके जगह, तो भी नहीं देते। तो कई बार ट्रेन में बस में ऐसा मौका आता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास जगह है, आप चाह रहे हैं कि सहयोग कीजिए, लेकिन उसका जो सहयोगात्मक रवैया आप अपेक्षित करते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। तो गैर सहयोगात्मक रवैया जब व्यक्ति का आप देखें, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड आप देखें, तो ये मान के चलिए कि उसके व्यवहार में जो परिवर्तन है वो किसी न किसी प्रकार के तनाव का कारण हो सकता है, तनाव का एक लक्षण हो सकता है। फिर यहाँ पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया है कि किस टाइप के तनाव हो सकते हैं
फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस में किस किस को हम लेंगे, तो पहला फॉर्म होता है, एक तरीका है इसका या मेजरमेंट आप मान सकते हैं क्राइटेरिया, हल्का तनाव, अर्थात बहुत कम समय के लिए यदि किसी प्रकार का तनाव हमें होता है तो वो माइल्ड स्ट्रेस माना जाता है। जिसे मैंने चर्चा की थी कि आप घर से निकले, बहुत जल्दी में है, आपको टेंशन हुआ, अरे यार पेन रखना तो भूल ही गए, आप किसी सहेली या दोस्त को पिक करना था, आपने गाड़ी वहां रोकी, उससे पूछा एक पेन एक्स्ट्रा, उन्होंने कहा है मैंने दो रखे हैं, चल तेरा काम हो जाएगा, चल दिए आप आगे बढ़े, पता चला रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया था, ट्रैफिक जाम है, गली जाती है, उस गली से भी आप अपने महाविद्यालय या जहां आप जाना चाह रहे थे अपने डेस्टिनेशन पर आप पहुंच सकते हैं। तो वो हल्का तनाव होता है टाइम बीइंग, और आप जानते हैं अच्छे से कि समय जैसे जैसे व्यतीत होते जाता है अपने आप व्यक्ति तनाव से रिलीज, उसका तनाव रिलीज हो जाता है या तनाव से बच जाता है। तो सीमित समय अवधि का जो तनाव होता है उसे हम माइल्ड स्ट्रेस मानते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ये हो सकता है। क्षणिक नुकसान हुआ, मान लीजिए आपके हाथ में दूध का गिलास था, गिलास छूट गया, दूध बिगड़ गया, आधे पौन घंटे एक घंटे ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा सोचने वाला होगा उसको एक दिन तनाव रहेगा, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, तो ये माइल्ड स्ट्रेस होता है। दूसरा है बर्नआउट, अर्थात सब कुछ स्वाहा हो जाना, ये फॉर्म से एक स्ट्रेस का, जब व्यक्ति का सब कुछ स्वाहा हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। मान लीजिए घर में किसी की अचानक डेथ हो जाए, एक्सीडेंट में किसी का बहुत गंभीर चोट लग जाए, या किसी के यहाँ कई बार हम देखते हैं कि बहुत जबरदस्त चोरी हो गई, आग से पूरा मकान या दुकान पूरी जल गई, तो जब सब कुछ स्वाहा हो जाता है व्यक्ति का तो ऐसी स्थिति में उसको भी बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो लंबे समय तक के उससे उबर नहीं पाता है। आपने सुना होगा कई बार जब शहरों में दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लोगों का पूरा बिजनेस चौपट हो जाता है, मकान, अब जैसे बाढ़ अभी फ्लड पढ़ा होगा पेपरों में, आपने सुना होगा टीवी के माध्यम से देखा होगा, केरल में बहुत जबरदस्त फ्लड रहा, बाढ़ रही, लोगों के परिवार कह लीजिए परेशान रहे, उसमें लोगों की संपत्तियां नष्ट हो गई, मकान लोगों के बह गए, बिजनेस चौपट हो गया, तो ये जो तनाव है ये सब कुछ स्वाहा हो जाने की स्थिति में आएगा। फिर तीसरा जो होता है वो होता है ट्रायमा, अर्थात भावनात्मक धक्का। जब कई बार हमको मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से धक्का लगता है, अर्थात शारीरिक रूप से तो हम ठीक हैं, भौतिक रूप से भी हम ठीक हैं, हमारी संपत्तियों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमारी भावनाओं को जब चोट पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, तो उसको हम भावनात्मक धक्का या भावनात्मक तनाव मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपकी सहेली है, आजकल के युवा तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों से जुड़े हुए रहते हैं कि जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे पता चला उसी ने उनको मना कर दिया, धिक्कार दिया या नेगेटिव रिप्लाई दिया, या जिससे जो अपेक्षाएं थी, कई बार हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति को भावनात्मक धक्का लगता है। आप पता चला कि आप जिसे बहुत अच्छा दोस्त या सहेली मान रहे थे, आपने मौका पड़ने पर उससे कहा यार 1,000-2,000 रुपए उधार दे दो, उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं भाई देखो दोस्ती तो ठीक है, खाना पीना ठीक है, लेकिन पैसे वैसे देने में मेरा विश्वास नहीं है, तो आपको भावनात्मक धक्का लग सकता है या लगता है। तो जब हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तब हमें महसूस, कई बार परिवारजनों में भी स्थिति होती है कि पिता अपनी पुत्री से या माँ अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, और जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें भावना, जैसे रिजल्ट आपने जो अपेक्षा की थी कि ये रिजल्ट बनना चाहिए, उतना परसेंटेज नहीं बना आपका, तो आपको भावनात्मक धक्का लगेगा, तो वो भी एक तरह से तनाव का एक प्रारूप है। फिर उसके पीछे कुछ रीजन भी यहाँ अपन देख रहे हैं, जैसे भेदभाव पूर्ण व्यवहार। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो भेदभाव पूर्ण है, और ये बहुत कॉमन है, परिवार में भी देखते हैं अक्सर, जैसे बच्चियां शिकायत करती हैं, जिस परिवार मान लो 2-3 बच्चे हैं तो अक्सर शिकायत आती है बच्चों की कि मम्मी या पापा बड़े भैया से या छोटे सबसे छोटे वाले से, या जो बहन है, कोई बहन ज्यादा सुंदर है, एक बहन कम सुंदर है, तो उसके साथ जो व्यवहार होता है वो पक्षपातपूर्ण होता है, ये हमारी फीलिंग्स है। ऑफिसों में, कॉलेजेस में स्टूडेंट भी शिकायत करते हैं हम लोगों से कई बार कि सर आप मुझे तो हमेशा डांटते रहते हैं, कई बार लड़की होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो फीलिंग्स है वो ये होता है कि साहब आपका जो व्यवहार है वो भेदभावपूर्ण हमको महसूस होता है। कई बार वो सत्य भी हो सकता है, मैं यहाँ नकार नहीं रहा हूं उस बात को, लेकिन
ऐसा होता नहीं है सामान्यतया। तो परिवार में, आपके कार्यालय में अक्सर लोग बाग ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो बिहेव किया जा रहा है, वो भेदभावपूर्ण है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, परंतु जैसा माँ है छोटे बच्चे, 2 साल का 3 साल का बच्चा है, सभी लोग उसके प्रति ज्यादा दुलार और लाड़ रखेंगे। आप बड़े हो चुके हैं तो हो सकता है कि आपको डांट पड़े, किसी काम के लिए कहा जाए, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा हो, तो व्यवहार में चेंजेस होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको हम तनाव का एक कारण या प्रारूप मान सकते हैं। जैसे असम के चाय के बागान पर एक बार उग्रवादियों का हमला हुआ था, वो भी वहां के लोगों के तनाव का बहुत बड़ा फैक्टर रहा। बहुत लंबे समय तक के वहां के लोग तनाव से ग्रसित रहे, क्योंकि वहां पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। कई बार प्रबंधक का अपहरण या बिजली के काम में करंट लग जाना या अन्यायपूर्ण सेवा संबंधी आदि भी तनाव के फैक्टर्स होते हैं। फिर आगे हम तनाव के कारण यह स्रोत, ये आप लोगों के यहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोगों के काम की जो चीज है वो, जिस पर आपके क्वेश्चन भी मैं आमंत्रित करूंगा थोड़ी देर बाद अभी, कि तनाव के कारण या स्रोत क्या क्या हो सकते हैं और इनसे हम कैसे बचने का प्रयास करें या कैसे हम बच सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है तनाव के पीछे जीवन प्रबंधन सही नहीं होना। हमारे जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सही नहीं होता है। अक्सर हम युवा पीढ़ी को देखते हैं रात के 12 एक एक बजे तक के वो मोबाइल पर एंगेज रहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, मैं मोबाइल का, मैं सोशल मीडिया का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारी लिमिटेशंस होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लेक्चर में मैंने आपसे पहले बात कर चुका हूँ एक बार पिछले महीना, तब भी मैंने कहा था कि समय का प्रबंधन यदि आप चाहते हैं तो एक समय पर ही मोबाइल का हमें यूज करना चाहिए। अक्सर बच्चे पढ़ते समय भी मोबाइल बाजू में रखते हैं, हर 15 मिनट बाद देखते हैं कि क्या मैसेज आया, व्हाट्सएप अपडेट हुआ नहीं हुआ, आपकी जो डीपी डाली थी उसको कितने लोगों के लाइक्स मिले, लाइक्स नहीं मिले। तो हम लेट अवर्स तक सोते हैं, बहुत लेट, 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, और जब लेट उठ रहे हैं तो फिर हमारे जो शुरू से जो रूटीन शुरू होता है वो बहुत ही कह लीजिए हड़बड़ाहट वाला होता है। मिसमैनेजमेंट के कारण से हमारी लाइफ पर मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता हमारा, सारी चीजें हम अव्यवस्थित रखते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। कई बच्चे हम देखते हैं कॉलेज में आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, साहब एडमिट कार्ड भूला है, ब्लैक डॉट पेन लाना था, अरे सर लाना भूल गए, टेबल पे रखा था लेकिन लाते आते भूल गए, रात को लेट हड़बड़ाहट में जा रहे हैं। और जब अक्सर मैं बच्चों से ही बोलता हूँ कि आपको अपनी लाइफ मैनेजमेंट सही करना है तो ये ध्यान रखिए, आगे भी ये बात आएगी भी हल, कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसके अलावा एक और मेरी सलाह रहती है कि जो भी सामान है आपका उसको व्यवस्थित रखने की आपको आदत होना चाहिए। कॉलेज से आप घर गए, बैग आपका पर्टिकुलर जगह पे रखिए, शूज आपके पर्टिकुलर जगह पे रखिए, शॉक्स यदि जूते में रखना है तो पर्टिकुलर तरीके से रखिए उनको, सारा सामान, चाबियां भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर जगह पे रखना चाहिए। कई घरों में हम देखते हैं बच्चे तैयार हो गए, अरे साहब गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, क्यों, बोले साहब सेंटर टेबल पे पटक दी थी, मम्मी आई तो उन्होंने कहा हम झाड़ू लगाते लगाते गए थे, कुछ नीचे कचरे में चला गया होगा, परेशान हो रहा है, पता चला कि चाबी आपके बैग में रह गई, ढूंढ रहे हैं आप कहीं और उसको। तो हर चीज का यदि एक नियत स्थान होगा, एक सिस्टम होगा काम करने के लिए A to Z, चाहे आप हो क्या, प्रत्येक वस्तु को अपने निर्धारित स्थान पर रखें, उसका एक स्थान तय कर लें और उसके लिए वही स्थान पर उस वस्तु को रखें। जब आप घर जाएं तो अपना बैग, अपने जूते, अपने यूनिफॉर्म, बल्कि ये भी प्लान करके चलना चाहिए आपको कि आपको नेक्स्ट डे क्या यूनिफॉर्म पहनना है। कई लोग एंड टाइम पे ये तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कौन से कपड़े पहन के जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, अरे यार तय नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा शर्ट पहनूं, ये लड़कियां तैयार होने में देर क्यों लगाती है, तय नहीं कर पा रहे हैं कौन सी ड्रेस पहने। तो एक तो अनिर्णय की स्थिति, आगे पॉइंट आ रहा आत्मविश्वास का न्यून स्तर, अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है उनमें, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो डिसीजन मेकिंग वीक हो रहा और इसमें समय भी लग रहा है, तनाव भी बढ़ रहा है। तो लाइफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लाइफ मैनेजमेंट छोटी सी चीज नहीं है, जीवन प्रबंधन पर बहुत सारे व्याख्यान लोगों के होते हैं लाइफ मैनेजमेंट पर, यहाँ वर्चुअल क्लास के माध्यम से भी कभी आप लोगों को सुनने को मिला होगा या कोई लेक्चर, हम लोग कोशिश करेंगे कि जीवन प्रबंधन पर भी अलग से आप लोगों के लिए व्याख्यान हो। यहाँ हम ये बात करेंगे केवल इतनी सी कि तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा लाइफ मैनेजमेंट डिस्टर्ब रहना। हम यदि लाइफ मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से नहीं जीना जानते हैं, नहीं करना जानते हैं, तो तनाव में हम हमेशा रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट भी उससे जुड़ा हुआ है। फिर सेकंड बिंदु जो आत्मविश्वास वाली बात है, यदि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रही है
आत्मविश्वास नहीं है तो हम हमेशा लोगों की कह लीजिए पैर की फुटबॉल बने रहेंगे, जो आएगा वो हमें किक करेगा। कई बार होता है कि हम मान लीजिए अच्छी ड्रेस पहन के गए, जो बेस्ट थी हमारे पास, अपने कॉलेज या स्कूल में गए या फंक्शन में गए, सामने वाले व्यक्ति ने कमेंट्स कर दिया, अरे यार तुम तो अच्छे नहीं लग रहे हो। और यदि हमको अपने प्रति सम्मान नहीं है, अपने प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसकी बात से तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। जैसा मैंने चर्चा की कि अनिर्णय की स्थिति, अनिर्णय तब होता है जब हमें आत्मविश्वास कम होता है, हम दूसरों के निर्णय पर डिपेंड होते हैं। कई बार बच्चे जैसे 10th में जो बच्चे आ जाते हैं उनसे पूछो क्या बनना है, सब कुछ तय नहीं किया, कॉन्फिडेंस ना, हमें कॉन्फिडेंस डॉक्टर बनने का है, ना इंजीनियर बनने का है, ना हम CA बन पाएंगे, ना हम डिप्टी कलेक्टर बन पाएंगे, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब हमें आत्मविश्वास का स्तर न्यून होगा तो ऐसी कंडीशन में हमारा अनिर्णय भी होगा, डिसीजन मेकिंग थ्योरी भी प्रभावित होगी हमारी, गलत निर्णय होंगे हमारे खुद के, और यदि मान लीजिए हमने गलत निर्णय नहीं है तो भी हमारा लाइफ मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कहलाएगा। तो हमेशा आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा हो रखना चाहिए, जो बहुत आसान भी नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन की, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है, प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, काम करने की आवश्यकता होती है। ऐसे आसानी से नहीं बनता कि आत्मविश्वास का लेवल बहुत हाई हो जाए, मार्केट में भी नहीं मिलता हूँ, कोई किताब भी नहीं आती कि उसको पढ़ो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हायर हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस से हो सकता हो। फिर अगला है प्रतिकूल अथवा अनपेक्षित परिणाम आना। कई बार प्रतिकूल परिणाम आना भी तनाव का एक कारण होता है। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमने बहुत बढ़िया लिख कर आए थे कॉपी में, बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन हमारा रिजल्ट आया नहीं अच्छा, एटीकेट ही मिल गई, हमें फेल घोषित कर दिया गया, या हमको तो सेलेक्ट होना था लेकिन हमको रिजेक्ट कर दिया गया, या गलत निर्णय किसी और ने किया, परिणाम हम भुगते। जैसे सिंपल सी बात है, आप बहुत अच्छे से गाड़ी चला के जा रहे हैं, आप 40 की स्पीड में हैं, 30 की स्पीड में हैं, बहुत नॉर्मल आपकी स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जो आया वो हड़बड़ाहट में बहुत स्पीड से गाड़ी लेकर आया और उसने आपकी गाड़ी से आपको एक्सीडेंट कर दिया। तो अब उसके गलत निर्णय के कारण से, या हम सोच रहे थे कि वो दाएं मुड़ेगा, वो अचानक बाएं मुड़ गया, अनपेक्षित परिणाम आया, एक्सीडेंट हो गया। कई बार रिजल्ट हम जो अपेक्षित करते हैं वो नहीं मिलता, हम परिणाम के प्रति हम जो अपेक्षा लेके बैठे थे वो परिणाम हमको नहीं मिलता है, तो ये भी एक तरह से तनाव का कारण बन सकते हैं। इसमें से बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे हाथ में हैं, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम हिंदू लोग भाग्य पर, किस्मत पर बहुत विश्वास करते हैं, करना भी चाहिए। हमारे पुराने कहली जो कर्म है, जो हमने काम किए, उनका परिणाम तो कहीं ना कहीं हमको दृष्टिगोचर होता है, तो कई बार हम उसको, उसके प्रति भी हमको आश्वस्त रहना चाहिए या उसको झेलने के लिए तैयार होना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए और निराशा नहीं आने देना चाहिए। कई बार प्रतिकूल परिणाम आ जाते हैं, आप देखते होंगे 12th बोर्ड के बाद जब रिजल्ट आता है, बच्चे, बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, घर से भाग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि साहब हमने सोचा था फर्स्ट डिवीजन आएंगे, सप्लीमेंट्री भी नहीं आई, फेल हो गए सीधे। तो कभी भी ये मान के चलना चाहिए, जीवन प्रबंधन का यद्यपि पॉइंट है ये कि जीवन कभी किसी चीज से समाप्त नहीं होता, एक रास्ता बंद हो गया दूसरा खुलेगा, दूसरा बंद हो गया तीसरा खुलेगा। तो कभी भी कोई अनपेक्षित परिणाम आए, किसी कारण से आपको प्रतिकूल परिणाम लगे, तो कभी भी निराशा का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि निराशा रहेगी आपके मन में तो आप निश्चित मान के चलिए कि शीघ्र ही आप तनाव से ग्रसित हो जाएंगे। तो तनाव ना आए इसलिए हर टाइप के रिजल्ट को मान के आपको चलना चाहिए। फिर अगला एक और कारण है, घर में बड़ों के द्वारा, कार्यालय में अधिकारी के द्वारा डांटना या प्रताड़ित होना। ये अक्सर आप सभी ने महसूस किया होगा कि घर में, घर जाओ तो अरे उन्होंने साहब क्या बताया, पिताजी तो हमेशा डांटते रहते हैं। अक्सर घर, कई घरों में बच्चों की शिकायत आती है कि पापा घर आएंगे माने डांटेंगे, उनका एक ही काम है घर आते से डांटना वो शुरू कर देंगे। कार्यालय में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि साहब अमुक बॉस तो हमारा हमेशा डांटने के लिए तैयार रहता है, तलवार उसके हाथ में रहती है, कब मौका मिले और गर्दन किसी की वो उड़ा दे। तो अक्सर ऐसा हम देखने में महसूस होता है, हमको दिखाई देता है, पता चला जो अधिकारी है वो तनाव में है, उसका ड्राइवर लेट आया होगा, वो अपनी पत्नी से घर पे झगड़ कर आया होगा और वो अपने उस तनाव को यहाँ अपने अधीनस्थों पर आकर रिलीज करता है। घर में आप देखते होंगे कभी कभी मम्मी को गुस्सा आता है, बिना कारण वो छोटे बच्चे की पिटाई कर देती, डांट लगा देते हैं, तो ये तनाव का, उनका तनाव आप पर रिलीज हुआ और ये आपके भी तनाव का कारण बनता है। कई बार बच्चे बोलते हैं क्यों भाई दुखी हो, उदास हो, क्या कारण, और सब क्या बताएं, घर गए पिताजी आए, उन्हें दो चाटे मार दिए, मम्मी उसके पहले डांट चुकी थी ऑलरेडी, गलती एक की थी लेकिन दोनों ने पनिशमेंट दे दिया,
बड़ा भाई बाद में आया, उसने भी और चार बातें सुना दी। तो कई बार हम अकारण डांटे जाने से, प्रताड़ित किए जाने के कारण भी तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। तनाव का एक कारण या कह लीजिए स्रोत बन सकता है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स, अर्थात कई बार हम ऑफिस के इवेंट्स को और घर के इवेंट्स को प्रॉपर मैच नहीं कर पाते। जैसे मैंने शुरू में उदाहरण दिया कि घर से आप निकले, पता चला टिफिन प्रॉपर समय पर टाइम पे तैयार नहीं मिला, बड़े अधिकारी हैं यदि कोई तो आप देखे उनके यहाँ आने वाली नहीं आई, उनको खाना नहीं बना पाई थी, ड्राइवर लेट आया, रास्ते में निकले तो गाड़ी पंचर हो गई, या गाड़ी पंचर नहीं हुई तो कहीं ट्रैफिक जाम था किसी भी कारण से। घर से घर की जो परेशानी थी, रास्ते की परेशानी, प्लस आप ऑफिस पहुंचे तो पता चला तीन लोगों की एप्लीकेशन आ गई कि साहब वो छुट्टी पर हैं आज, आपने घंटी बजाई पीउन के लिए, पता चला पीउन भी छुट्टी पर है, आप बहुत गर्मी है आप बैठे, पता चला एसी बंद है, लाइट गोल है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स हुए, शाम तक पता चला आप तनाव से ग्रसित हो जाएंगे। चाहे आप कार्यालय में काम करते हो, या आप स्टूडेंट हो, या आपके पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैक्टर्स से फिर वो जो कॉम्बिनेशन होता है ऑफिस और घर के एक्टिविटीज का, उसके कारण से भी तनाव में ग्रसित हो जाते हैं। घर पहुंचे शाम को थके हारे, घर का टेंशन लेके ऑफिस गए थे, ऑफिस का टेंशन उसमें प्लस हुआ, शाम को जब घर पहुंचे तो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड थे। और घर जैसे ही पहुंचे, दरवाजा खोला, पत्नी ने बोला कि सब्जी नहीं लाए आप, या आपकी मदर है तो मदर ने बोला सब्जी लाए के नहीं लाए, गेहूं पिसाने का कहा था पिसा के लेकर आए के नहीं आए, तो आपका और टेंशन बढ़ जाएगा। या बहुत सारे फैक्टर्स, घर पहुंचे उन्होंने कहा बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल ज्यादा आया, या और कोई प्रॉब्लम, या पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो कॉम्बिनेशन होता है इवेंट्स का, वो भी तनाव का एक कारण या स्रोत बन सकते हैं। कई बार वर्क ओवरलोड, छठवां पॉइंट देख रहे हैं आप, वर्क ओवरलोड अर्थात तनाव का एक कारण होता है हम काम से बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होते हैं। कई लोगों का नेचर होता है कि बहुत सारे काम को अपने ऊपर वो ओढ़ लेते हैं, उनसे वो किसी काम के लिए मना ही नहीं करते। कई लोगों का नेचर होता है उनसे बोलो ये काम, हाँ अभी हो जाएगा साहब, ये काम अभी करते हैं साहब, वो बहुत सारे काम को एक साथ वो ले लेते हैं, मल्टीटास्किंग उनका नेचर होता है। और साथ ही साथ वे आधे छोड़ एक धावे वाली जो बात कही गई है ना, कि आधी छोड़ एक को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, उस घटना का भी उदाहरण होते हैं। आधा काम किया, उस काम को वहीं छोड़ा, दूसरे काम में उलझ गए, दूसरे को छोड़ा, तीसरे में उलझ गए, उनसे खुद का काम तो हो नहीं पा रहा है, पता चला अपने दोस्त का या सहेली का काम भी ले लिया। तो ना कर पाने के कारण से, नहीं कर पाने के कारण से काम लेते जाते हैं। तो ओवरलोड होना भी तनाव का एक बहुत बड़ा कारण होता है। कभी भी ध्यान रखिए, अपने आप को असेस कीजिए, अपनी योग्यताओं का आकलन कीजिए, सही तरीके से सही आकलन कीजिए, आत्मविश्वास आप में सही होना चाहिए। और जब आप अपने काम की आपकी क्षमता है, 24 घंटे सभी के पास हैं, 24 घंटों हैं, कितना आप कर पाएंगे उतना ही काम लीजिए, अदरवाइज मना कर दीजिए सामने वाले को। स्वयं तनाव में रहेंगे, जो भी काम करेंगे वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। और आपने उसकी हेल्प की, उसके काम में मदद की, और पता चला उसने आपको नेगेटिव उत्तर दे दिया, अरे यार तूने काम ठीक से नहीं किया, मन लगा के नहीं किया, आपका तनाव और बढ़ेगा। तो बेहतर है कि आप उससे पहले ही मना कर दे कि यार ये काम उससे नहीं हो पाएगा, मेरा शेड्यूल बहुत पैक है। तो कई बार हम बच्चों को बताते हैं, एनएसएस के माध्यम से भी आप लोगों को कहा जाता है कि ना कहना भी सीखिए। और यदि आप किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड ना नहीं कह पाते हैं तो बोलो यार बाद में देख, बाद में कर पाऊंगा मैं, अभी नहीं कर सकता। यदि आप बिजी हैं तो ओवरलोड मत होइए कभी भी। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग बाग ओवरलोडेड है, सब जगह आप देखें लाइन लगी रहती है, चाहे बिजली का बिल जमा करना चाहिए, चाहे बैंक जाइए या पोस्ट ऑफिस जाइए, टिकट के लिए जाइए, हर जगह लाइन लगी हुई है। जो कर्मचारी काम कर रहा है वो स्ट्रेस में है, वो आपके पास भी समय कम है, समय की कमी हर व्यक्ति के पास है। आज के समय में कोई व्यक्ति ये बहुत कम मिलेंगे आपको जो ये कहें कि हमारे पास पर्याप्त समय है या आवश्यकता से अधिक समय है, हर व्यक्ति के पास समय की कमी है। और ऐसी स्थिति में ओवरलोडेड होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा तनाव का कारण बन सकता है। डिफेक्टिव सुपरविजन अर्थात जो निरीक्षण प्रणाली है, बच्चों के मन में अक्सर ऐसी बात आती है कि सब कॉपियां हमारी सही तरीके से नहीं चेक की जाती, हमारा जो काम है उसको, जो उसका सुपरविजन का तरीका है वो बहुत सही नहीं है। तो डिफेक्टिव सुपरविजन भी कई बार हमारे लिए तनाव का कारण बनता है। मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए, जैसी आप अपेक्षा करते हैं, यदि वैसी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में भी हमको तनाव
से ग्रसित होना पड़ता है या हम तनाव से ग्रसित होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आठवां, इनएडिक्वेट अथॉरिटी टू मैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अर्थात हमारे जो अधिकार हमको दिए गए हैं वो हमारे उत्तरदायित्वों से प्रॉपर मैच नहीं कर पाते, अपर्याप्त हैं। जितना आपको उत्तरदायित्व दिया जाए उतने आपको अधिकार भी मिलने चाहिए। मान लीजिए आपको मम्मी ने कहा कि ये पैसे लेके जाओ, बाजार से मेहमान आने वाले हैं, सब्जियां फल फूल मिठाइयां लेकर आओ, तो आपको पैसे दिए हैं, अधिकार दिया है, उत्तरदायित्व दिया सामान लाने का, साथ ही साथ आपको ये अधिकार भी मिलना चाहिए कि आप परिस्थिति के हिसाब से जो सब्जियां आपको ठीक लगे वो आप लेकर आइए। विकल्प आपके पास होना चाहिए, पर चला आप लेके गए, बहुत अच्छे से अच्छा प्रयास किया, घर पहुंचे और डांट पड़ गई कि ये किसने कहा था लाने का, मुझसे पूछना था, घर आके पूछ के जाते, मान लीजिए मोबाइल की सुविधा नहीं थी या मोबाइल आपका काम नहीं कर रहा है तो डांट पड़ गई आपको। ऑफिसों में ऐसा होता है कि जिम्मेदारियां तो दे दी जाती हैं परंतु उसके कंपैरिजन में अथॉरिटीज कम दी जाती हैं, अधिकार कम दिए जाते हैं। तो अधिकार यदि कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, या अधिकार ज्यादा हैं और जिम्मेदारियां कम हैं, तो जो इनएडिक्वेट अपर्याप्तता बनेगी वो भी तनाव का एक कारण बन सकती है। फिर हम देख रहे हैं जॉब इल डिफाइंड, अर्थात हमारा जो काम हमको सौंपा गया है वो प्रॉपर तरीके से यदि उसको डिफाइंड ना किया जाए, सही तरीके से परिभाषित ना किया जाए, तो वो भी तनाव का एक कारण बन सकता है। जो भी काम आपको दिया जाए उसको बहुत अच्छे से हमें चाहिए कि हम पहले समझ लें। हम बच्चों से ये भी कहते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो पहले अच्छे से पढ़ें। कई बार जैसे मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, बच्चे मिलते हैं कि सर ये हमने इस पेपर ऐसे किया, हम बताते इस पेपर में तो आपको ये लिखना था, अरे सर ये तो हमने पढ़ ही नहीं पाए, ये तो हमारा ध्यान ही नहीं गया, क्या पूछा था, ऑप्शन था, हमने ऑप्शन देखे ही नहीं, दोनों अटेम्प्ट करवा रहे, समय पर ध्यान नहीं दे पाए। तो कई बार हमको ये देखना चाहिए कि हम टाइम मैनेजमेंट भी करें, साथ ही साथ हमें करना क्या है उसको बाकायदा हम डिफाइन करके चले। तो लक्ष्य आप जब तय करते हैं तो लक्ष्य को कैसे पहुंचा जाए उसको बाकायदा आप उसके लिए कार्य योजना बनाएं और पूरी डेफिनेशन और पूरी परिभाषाओं के साथ आगे बढ़ें। जैसे आप घर से निकल रहे हैं, मदर ने आपसे कहा तो आप बाकायदा कागज और पेन लीजिए, आप पूछिए कि आप क्या क्या सामान चाहिए, उन्होंने कहा सामान चाहिए आलू प्याज सब्जियां, नाम लिखिए, क्वांटिटी पूछ लीजिए कितने लाना है, तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको ऑप्शन भी पूछ सकते हैं आप कि यदि ये ना मिले तो मुझे आप बताइए क्या ले आऊं मैं। मिठाई में मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आप मावे की मिठाई लाइए, उन्होंने कहा साहब नहीं मिली, तो आपको विकल्प उपलब्ध होना चाहिए आपके पास। तो जितने अच्छे से आप डिफाइंड रहेंगे, क्लियर रहेंगे, उतना अच्छे से आप काम कर पाएंगे। तो जॉब इल डिफाइंड होना भी एक तनाव का एक कारण बनता है। फिर हार्मोन्स का असंतुलन, यह थोड़ा सा मेडिकल साइंस की बात आती है कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, पढ़ा है आपने, तो इनका जब इनबैलेंसमेंट होता है, असंतुलन होता है, उस कारण से भी हमें तनाव उत्पन्न होता है। अक्सर जिसे हम देखते हैं कि जब किशोरावस्था में बच्चे आते हैं तो उस समय उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो हार्मोनल चेंजेस के कारण से तनाव उनको होता है। शाइनेस आना, शर्म महसूस होना, लोगों से बात करने के प्रति कतराना, लोगों के सामने आने में झेप होना, ये तमाम जो एक फैक्टर्स होते हैं, टाइमिंग होते हैं यद्यपि, लेकिन ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, कई बार इनके बाकायदा इलाज भी किया जाता है, दवाइयां इनके लिए दी जाती हैं, डॉक्टर्स उसके लिए एडवाइस करते हैं कि इनको ये दवा दी जाए। तो हार्मोनल चेंजेस होने से, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फैटी हो गया, पता चला उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत हेल्थ बढ़ गई उसकी, अब यदि बहुत हेल्थ बढ़ गई, एबनॉर्मल वो हो गया, तो तनाव तो रहेगा, उसको टेंशन रहेगा कि लोग कमेंट्स करते हैं, तो वो उसके हार्मोनल चेंजेस के कारण ऐसा हो रहा है और उसे दूर किया जा सकता है, उसकी बाकायदा दवाइयां आती है। तो हार्मोनल चेंजेस भी या हार्मोन्स का असंतुलन होना भी तनाव का एक कारण बनता है। अहंकार का होना, ये भी बहुत कॉमन चीज है जो आप लोग देखते होंगे, किसी किसी व्यक्ति में बहुत अहंकार रहता है और वो अहंकार उसको जो उसके अपने लोग हैं, अपने चाहे रिश्तेदार हों या अपने जो मित्र हों, उनसे दूर रखने पर मजबूर करता है। और यदि हम अपने दोस्तों के बीच में, अपनी सहेलियों के बीच में, अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, तो एक तनाव हमारे मन में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आप तनाव से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए अहंकार से व्यक्ति को बचना चाहिए। किसी प्रकार के कई लोगों में बहुत घमंड होता है, साहब हम तो बड़े करके बैठे हैं, हमारे पास तो इतना पैसा है, किसी को अपनी पर्सनैलिटी का घमंड हो सकता है, अहंकार हो सकता है, और इसलिए वो लोगों से मेल मिलाप पसंद नहीं करते और तनाव में रहेंगे। फिर
डिफरेंसेस इन वैल्यूज, अर्थात कई बार जो हमारे जो वैल्यूज होते हैं समाज के, किसी किसी के लिए ईमानदारी और सच्चा रास्ता हो सकता है, इनमें भी यदि डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो वो भी तनाव का एक कारण बनते हैं। फिर आपसी टकराव, अर्थात म्यूचुअल डिफरेंसेस पे जो कह लीजिए डिस्टर्बेंस होता है या टकराव उत्पन्न होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है जिससे कि व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। परिवार में भी होता है कि पिताजी और बेटे के जो नेचर है उनमें टकराव हो रहा है, आपसी टकराव हो रहा है। पिता जो कहते हैं बेटे को बुरा लगता है और बेटा जो चाहता है वो पिताजी को या माँ को बुरा लगता है, तो आपसी टकराव होना भी कारण होता है। फिर संभावित परिवर्तन, फियर्स ऑफ चेंजेस, अर्थात चेंजेस जो होता है जैसे कंप्यूटर का प्रयोग होना, अब जिससे रिसेंटली पिछले सालों में हर ऑफिस में कंप्यूटर्स आ गए, लोगों को उनकी सर्विसेज से हटा दिया गया, छटनी कर दी गई, क्योंकि कंप्यूटर का यूज करेंगे मैन पावर कम लगेगा, तो उसका भय, इस कारण से भी लोगों में तनाव उत्पन्न हुआ। फ्रस्ट्रेशन मतलब किसी प्रकार की कुंठा, जैसे लक्ष्य की पूर्ति ना हो पाना, अक्सर यह होता है हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है टॉप लेवल पे। बच्चों से पूछो क्या बनना चाहते हो, कलेक्टर IAS बनना चाहते हैं, बीकॉम में एडमिशन लिया क्या करना चाहते हो, सब CA बनना चाहते हैं। उनसे पूछो 12th का परसेंटेज था 48, नंबर देखे अकाउंट में कितने आए थे, सब बोले अकाउंट में तो बाय ग्रेस पास हुए, ये सप्लीमेंट्री और एटीकेटी से पास हुए। अब आप लक्ष्य रख रहे हैं CA का, दिन भर क्या करते हैं, 7-2 घंटे दोस्तों के साथ घूमते हैं, 3 घंटे मोबाइल पे एंगेज रहते हैं, आपने लक्ष्य तो ऊंचा रख लिया कि हम CA बनना चाहते हैं, लेकिन या IAS बनना चाहते हैं या डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं या पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके से हम ना प्रयास करते हैं ना हमें क्षमता है, तो लक्ष्य की पूर्ति ना हो पाना भी फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। हर बच्चा चाहता है, क्यों नहीं चाहेगा, चाहना स्वाभाविक है, परंतु वो स्वाभाविक अलग चीज है, गलत है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। हर लड़का चाहता है युवा अवस्था में जब शादी की बात आती है कि बहुत सुंदर लड़की मिले, लड़की भी चाहती है कि बहुत सुंदर उनको जीवन साथी मिले, लेकिन क्या संभव है ये, यदि ऐसा होगा तो बाकी लोगों का क्या होगा इसी कंडीशन। इसलिए जरूरी है कि हम वास्तविकताओं को पहचाने, समझें और उनको स्वीकार भी करें, यदि हम ये सब करेंगे तो तनाव हमको नहीं होगा। एक आध पॉइंट के बाद में आपको समय दे रहा हूं पूछने के लिए। फिर इसमें एक और रह गया था अभी, कुंठा या हताशा के बाद अत्यधिक महत्वाकांक्षी। हमारे समाज में अक्सर हम लोगों में देखते हैं कि दूसरों से अधिक और अच्छा प्राप्त करने की चाह होती है। आपने एक देखा होगा कि मेरी साड़ी उसकी साड़ी से ज्यादा सफेद होना चाहिए, शायद टीनोपाल का या रिन किसी साबुन का एड हम लोगों ने बचपन में देखते थे, अभी भी शायद TV वगैरह पे आप लोग देखते होंगे कि अक्सर हमारे मन में ये प्रयास रहता है कि जैसे मेरी शर्ट उससे ज्यादा अच्छी होना चाहिए, मेरी पर्सनालिटी उससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, मेरे अंक उससे ज्यादा अच्छे होना चाहिए। हर व्यक्ति सेल्फ प्रशंसा की उसमें एक भावना होती है कि हमारे मन में जो अंदरूनी महत्वाकांक्षा छिपी है कि हम दूसरे से हमेशा श्रेष्ठ हों, हम भले ही प्रयास ना कर रहे हों लेकिन श्रेष्ठ बनने की, उस श्रेष्ठ दिखने की हमारे मन में चाह होती है। और हर व्यक्ति, देखिए महत्वाकांक्षा होना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना नुकसानदायक हो सकता है, और उस उन महत्वाकांक्षाओं की तुलना में हमारे प्रयास यदि कम है या नगण्य से है तो निश्चित मान के चलिए कि फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो कभी भी जब हम महत्वाकांक्षा रखें तो ओवर एम्बिशियस या अत्यधिक महत्वाकांक्षी ना बने और वास्तविकताओं को हम स्वीकार करें। यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो यहाँ एक मिनट के रुक रहा हूँ, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे कि हम इनसे कैसे बचें, हम तनाव से कैसे अपने आप को दूर रख पाएं। अप्रोचेस टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, अर्थात सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि कैसे हम तनाव से या स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकते हैं। उसका तरीका है, पहला है एक तो कि हम रिव्यू ऑफ लाइफ गोल्स, जरूरी है कि हम अपने जो लाइफ के जो गोल हमने तय किए हैं, जो लक्ष्य तय किए हैं, उनको हम रिव्यू करते रहें समय समय पर। देखिए 2-3 बातों पर मैं अक्सर अपने बच्चों से कॉलेज में भी बोलता रहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक छात्रा को अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बना के चलना चाहिए। एक लक्ष्य आपका होना चाहिए, एक टारगेट, एक गोल लेके आपको चलना चाहिए। बिना लक्ष्य के यदि आप चल रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमेशा एक ये मान के चलिए कि एक लक्ष्य आपका
होना चाहिए और जो भी आप लक्ष्य बनाए वो आपका वास्तविकता के धरातल पर होना चाहिए। मेरे से उससे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अभी हाल कि सर बीकॉम हो गया अब हम क्या करें। मैं पूछता हूँ आपकी लाइकिंग क्या है, बताते सर हम सीए करना चाहते हैं, आईसीडब्ल्यू करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं। मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप अपनी वास्तविकताओं के धरातल पर अपने आप को आंके। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप सीए करने में थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट होना जरूरी है, व्यक्ति को तुरंत अर्निंग नहीं हो सकती, तो उनको मैं सलाह देता हूँ कि आप बैंक की तैयारी कीजिए। लड़कियां हैं बैंक की तैयारी कीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अभी हमारे यहाँ फंक्शन में एक बार पूछा गया बच्चों से कि आईएएस कौन बनना चाहता, तो एक लड़की बड़े उत्साह से गई मंच पर कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। बी एक स्टूडेंट थी, लोगों ने बहुत उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वो बहुत अच्छी पढ़ने में होशियार बच्ची नहीं, लोग बच्ची सहेलियां उसको जानती हैं, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। तो वास्तविकता के धरातल पर यदि हम अपने आप का अपने लक्ष्य रखेंगे तो आप मान के चलिए कि आप निश्चित सफल होंगे, आपके लक्ष्य आप प्राप्त कर पाएंगे। जैसे वास्तविक एवरेज विद्यार्थी है उसी हिसाब से लक्ष्य लेके चले। आप पीएससी की तैयारी कीजिए, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। आप टारगेट ऊंचा रख रहे हैं और अपने आप को आप उस कह लीजिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप में सारी क्षमताएं पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसी नहीं है। फिर दूसरा तरीका है सोशल सपोर्ट अर्थात ईश्वर भक्ति। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, चाहे वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, यीशु हो, जिसको भी आप मानते हैं, उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा अर्चना मेरा जो यहाँ पर मैंने आपको सजेशन दिया है, पूजा अर्चना से अभिप्राय ये नहीं कि आप डेली मंदिर जाएं या घर पे डेली बैठकर एक घंटे पूजा करें, लेकिन आपकी आस्था अच्छे काम में होना चाहिए, आपके कार्य अच्छे होने चाहिए, आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए और किसी न किसी कह लीजिए अदृश्य शक्ति में आपका विश्वास होना चाहिए। निश्चित ये तो आप सब मानते हैं कि कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई ताकत है जो हम सबको चला रही है, हम सबके पीछे है। आप महसूस तो करते हैं उसको, उसके प्रति आपके मन में आस्था और विश्वास होना चाहिए। फिर जो आपके साथी हैं, यदि आप अविवाहित हैं तो आपके दोस्त सहेली, यदि आप शादीशुदा हैं कोई परिवार का व्यक्ति है तो उसके पत्नी या पति का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति तनाव में ग्रसित है तो हम उसे अकेला कभी ना छोड़ें, उसको हम सहयोग दें, उसके साथ सपोर्ट करें उसको और कोशिश करें कि उसको हम तनाव से निकाल पाएं। फिर एक और बिंदु है फिजिकल एक्सरसाइज। प्राणायाम के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। प्राणायाम अर्थात प्रातः जल्दी उठना, ध्यान मनन की क्रियाएं करना, योग की क्रियाएं करना, ये प्राणायाम जो हम करते हैं ये भी हमारे लिए तनाव से दूर होने का एक माध्यम बन सकता है, साधन बन सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान या मनन करेगा उसके मन में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक सोच आएंगे, और जब सकारात्मक सोच हमारे मन में आते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है शरीर की, नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक दूर होते हैं। कई बार आप महसूस करें, जो लोग करते हैं, जिन लोगों ने ध्यान या योग कभी जीवन में किया है, महसूस किया होगा कि कई बार हम बहुत सारी समस्याओं विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और वो उनका उनका निदान, उनका निराकरण, उनका सॉल्यूशन, उस समस्या का समाधान हमको ध्यान के दौरान प्राप्त हो जाता है। तो भले ही आप उसको अदृश्य शक्ति का इंडिकेशन माने, संकेत माने, कई आप गूगल पर पढ़ेंगे कि मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो कई बार बताते हैं कि साहब वो समस्या से ग्रसित थे, 3-4 दिन बाद उनको ऑटोमेटिक सुबह सुबह जो है ध्यान कर रहे थे और वो समस्या का समाधान मिल गया। तो एक इंडिकेशन हमको मिलता है, तो एक पॉजिटिविटी शरीर में आती है। तो प्राणायाम, ध्यान, मनन को करना, उस शक्ति को आप उसके प्रति आस्था रखें, उसको माने, निसंदेह मान के चलिए कि आप तनाव से अपने आप को बचा पाएंगे। आत्मलोकन करें अर्थात स्वयं का अवलोकन करें, हम लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करें, अवकाश पर जाएं, कुछ पॉइंट और रह गए हैं, अवकाश पर भी जाना चाहिए। कभी कभी छुट्टी भी बहुत लाभदायक होती है, बच्चों को पिकनिक भी मनाना चाहिए, दोस्तों के साथ मिलना जुलना चाहिए, टूर पर भी जाना चाहिए, भ्रमण भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लोगों से मिलना जुलना। कई बार जैसे हम वीकेंड है तो बाकायदा बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले, प्राकृतिक स्थान पर बैठें, जाकर प्रकृति के पास बैठें, संगीत का सहारा लें, ये भी एक बहुत बड़ा कह लीजिए हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। कई लोगों का तनाव में रहते हैं तो म्यूजिक भी उनको सपोर्ट करता है, तो म्यूजिक का संगीत का सहारा लें, उससे भी तनाव हमारा दूर हो सकता है। कम से कम 6 घंटे की नींद मिनिमम लेना चाहिए, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं आपके लिए कि कम से कम 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए।
सुबह जल्दी उठना है तो निश्चित तौर पर शाम को, रात को जल्दी सोए आप, 11 बजे 11:30 बजे मोबाइल का प्रयोग कम। मैंने फिर से यहाँ पर लाइन डाली है कि मोबाइल का प्रयोग कम करें, मोबाइल को एक टूल के रूप में यूज करें, एक माध्यम के रूप में यूज करें, तो मोबाइल का कम यूज कीजिए। संतुलित पौष्टिक आहार लें, अच्छा आहार लेंगे अच्छी नींद आएगी। अपनों से, परिवार के सदस्यों से मिलने का समय अवश्य निकालें। ये बहुत बुराई मैं महसूस करता हूँ, समाज के लोग आज एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। अब तो शहरों में ये स्थिति है, किसी के यहाँ पहुंच जाओ तो पूछते हैं आप कैसे आए, क्या काम है, मतलब लोगों में ये धारणा बैठ गई है कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ किसी काम से ही आएगा। सामाजिक जो मेल मिलाप की जो परंपराएं थी, लोग अब एक दूसरे से नहीं मिलते, लोग एक दूसरे से नमस्ते नहीं करते, हेलो हाय नहीं करते, वो भी तनाव का एक कारण हो सकता है। तो तनाव से बचने के लिए जरूरी है कि आप लोगों से मिलें, अपने परिवार के लोगों से बात करें। कई बार घरों में लोग बाग ये बताते हैं, साहब तो पापा से 3 दिन से बात ही नहीं हुई, मम्मी से बात ही नहीं कर पाते हैं, अपना अलग अलग खाना खाते हैं। कई घरों में ये आप पाएंगे कि लोग साथ बैठ के भोजन करते हैं, तो उस समय बात करते हैं आपस में और तनाव से मुक्ति पाते हैं। कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, वो हम चर्चा बाद में करेंगे। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूं, उसके पहले आपका कोई क्वेश्चन यदि हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ कवर ना हो पाया हो। मेरी आपको सभी को शुभकामना है कि आप किसी प्रकार के तनाव से ग्रसित ना हो। आपकी अभी आयु ऐसी है कि आप अपने आप को तनाव से, हाइपरटेंशन से और ब्लड प्रेशर से बचा सकते हैं। कोई क्वेश्चन यदि आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे हमारे एंड हो गया, ये इस पर थैंक्स आगे हमारे बंद हो गया ना।